राजस्थान में मादक पदार्थ तस्करी के गिरोह सक्रिय हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य से बड़ी मात्रा में नशे के सौदागर राजस्थान में युवाओं तक नशा पहुंचा रहे हैं। तो वहीं पुलिस ग्रोह पर पुलिस मुख्यालय की सीबीसीआईडी क्राइम ब्रांच भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। किस तरह से बीते सालों में सीआईडी सीबी टीम ने कार्रवाई की है, इस पर एडीजी क्राइम रवि प्रकाश से खास बातचीत की है न्यूज इंडिया संवाददाता दीपक चावला ने। साल 2020 जाने वाला है। साल 2020 में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि कैसे जैसे जो एनडीपीएस की कार्रवाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि युवाओं में जो नशा पहुंच रहा है उसको कम किया जा सकता है। एडीजी रवि प्रकाश जी और उनकी सीआईडी टीम लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी रवि प्रकाश जी, सर नशे को कम करना इस साल या आगे भी आपकी पहली और हमेशा से पहली प्राथमिकता रही है, तो किस तरह से साल कार्रवाई और आगे क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है? देखिए, जो हमारे देश के युवा हैं, बालक हैं और देश के भावी नागरिक हैं, ये हम सबका परम दायित्व है कि किसी भी रूप में अगर हम कोई भी तरीके से उनको नशे से दूर रख सकें तो उनके भविष्य को संवार सकते हैं। और पुलिस का है, क्योंकि ये मैंडेट है कि एनडीपीएस एक्ट है हमारे पास, उसके तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत हमने लगातार 2020 में खूब कार्रवाइयाँ की हैं और पूरे राजस्थान में अभियान के रूप में भी समय समय पे राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई की। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 2020 में नवंबर तक करीब 2550 मुकदमे दर्ज हुए हैं एनडीपीएस के, और उसमें गिरफ्तार 3740 व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए हैं। ब्राउन शुगर करीब 0.4 ग्राम्स और हीरोइन जो हमने की है बरामद वो 12.78 किलोग्राम, स्मैक 15.83 मतलब 15.83 किलोग्राम, चरस 24.94 किलोग्राम्स, अफीम 596.6 किलोग्राम्स और गांजा 13,781.8 किलोग्राम्स, डोडा पोस्ट 1,23,327.8 किलोग्राम्स। तो इस लिहाज से आप अगर आंकड़ों पर नज़र करेंगे तो काफ़ी कार्रवाई राजस्थान पुलिस ने पूरे राज्य में सभी जिलों ने की है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो नेटवर्क है, इसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम में जो लोग शामिल हैं अब, उनका लगातार हम पीछा करते रहें और गुप्त सूत्रों के माध्यम से भी जो भी साधन हमारे पास हैं हम लगातार एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते रहेंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के। ये थे एडीजी क्राइम रवि प्रकाश जी, जो कह रहे थे कि ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है और आगे भी रहेगी, युवाओं तक नशा किसी भी प्रकार से नहीं पहुंचने दिया जाएगा। सहयोगी केदार शर्मा के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया जयपुर।